नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा दुबे। स्वागत करती हूं आप सभी का इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर टाटा समूह द्वारा किसी भी प्रकार की शुभकामनाएं प्रेषित नहीं की गई। टाटा समूह के इस भावना से आहत होकर मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर पहुँच पोस्टर पार्क में स्थित टाटा साहेब की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध कर मुंह पर काली पट्टी बांध सांकेतिक धरना पर बैठ गए। राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन मंत्री ने टाटा समूह पर भगवान बिरसा मुंडा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कई सवाल दागे और पूछा, जिस राज्य में टाटा समूह स्थापित है उस राज्य के स्थापना दिवस और उस राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले धरती आबा भगवान बिरसा के नाम पर टाटा समूह द्वारा किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित न करना न केवल भगवान बिरसा बल्कि राज्य के 3.25 करोड़ जनता के साथ जमशेद जी नौसरवान जी के सपनों का भी अपमान है। जबकि केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा की जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया, मगर टाटा समूह इतने महत्वपूर्ण मौके को भूल गई, जबकि समूह अपने संस्थापक दिवस के मौके पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाती है, मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार करती है। उन्होंने हाथों में स्लोगन लिखा पोस्टर के साथ टाटा समूह का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। और भगवान बिरसा जी की जयंती और पीछे कर लगा स्किल प्रबंधन के द्वारा उनके बाग में दो फूल नहीं थे, उनके अधिकारियों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो जो है उनके श्री चरण पे दो पुष्प चढ़ाते। SNTI का 100 साल हुआ, टाटा स्टील के MD साहब आए और केक काटने बॉम्बे से आ गए। कल इन्होंने ट्राइबल कल्चर सेंटर में थोड़ा सा कुछ ट्राइबल कल्चर का लगातार 7 साल से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई टाटा स्टील के बड़े अधिकारियों ने शिरकत तक नहीं की। केवल जो है, और आप देखिए जब हमने थोड़ा विरोध किया तो कहीं पर थोड़ी बहुत जो है कहीं कहीं लाइटिंग चालू किया, वो भी शाम मतलब 11-12 बजे के वक्त से चालू किया, वो भी हमारे डर से। हम जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, जिनको हम जीवन देवता के रूप में पूछते हैं मानते हैं, और मैं समझता हूँ कि आज उनकी भी आत्मा कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों से दुखी होगी, जिस तरीके से मैं दुखी हूँ और भगवान बिरसा के समर्थक दुखी हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये टाटा स्टील ने पाप किया है, और यही मैं प्रार्थना करने आया हूँ जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के श्री चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करने आया हूँ कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे। और उन्होंने जो एक आदर्श स्थापित किया था, उन्होंने फैक्ट्री जमशेदपुर में नहीं लगाई थी, कारखाना नहीं लगाया था, उन्होंने एक आदर्श सिद्धांत और विचार जन्म दिया था। उन्होंने यहाँ विश्व स्तरीय नागरिकों को सुविधा बहाल करने का सपना सोचा था। उन्होंने यहाँ के आदिवासी मूलवासी के सम्मान और उनकी संस्कृति को अपनाया था। भगवान बिरसा को उनकी श्रद्धांजलि होती थी, लेकिन आज उनके वंशज केवल अर्थोपार्जन का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये स्थितियाँ धीरे धीरे औद्योगिक घराने के विरुद्ध जनता का जो है जनभावना हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि वो लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो कहते हैं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा,
गर्दन ने बगावत कर ली है। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।